नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आई बेल को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कि 19% ही सब्सक्राइब कर रहे हो यार, और इसको इंक्रीज करो। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए एक मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्कॉलरशिप पर कार्रवाई चल रही है, इस पर काम चल रहा है। पहला जो स्टेटस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कटिंग जो आपको दिख रही है, ये सर्वेश भाई जी का, इनका जो है स्कॉलरशिप समस्या थी, 33% ब्लॉक था। अब इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर कॉल किया था और इनकी जो देखेंगे आपकी इनकी जो भी समस्या थी, इसको रीवेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है और इन्होंने रीवेरिफिकेशन भी करा लिया, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इनका पूरा डॉक्यूमेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में भी जमा हो चुका है। तो आप भी अगर डायरेक्टरेट ऑफिस में फॉर्म जमा कर दिए हैं तो आप एक बार सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करके ये पता कीजिए कि हमारा कहां तक का भी जो भी कार्रवाई हुई है। अगर निस्तारित हो गई तो फिर से कंप्लेन कीजिए कि नहीं सर, हमारा ये समस्या है, मैं इस पर अपना अभी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूँ, एक बार आप और रिपोर्ट लगाइए, क्योंकि आप 2021 के हैं तो तुरंत आपका रिपोर्ट लग जाएगा और इस पर आपकी कार्रवाई होगी, उसके बाद से लंबित हो जाएगा। मैं 13 तारीख 6 महीना 2021 को कंप्लेन किया था सीएम हेल्पलाइन नंबर पर। इसके कुछ दिन बाद मैं सीएम से भी मिलने गया था, मैं वीडियो भी डाला हूँ, आप देख लीजिएगा जाकर। और उसके बाद से मेरा अभी तक भी लंबित है स्टेटस, आप देख सकते हैं पूरा आपको दिख रहा है। तब से इस पर मैं कॉल करके कई बार पूछ चुका हूँ, कह रहे हैं लोग आपका जो गोरखपुर DWO ऑफिस है वो कह रहा है अभी कि इस पर अभी कार्रवाई हो रही है और काम चल रहा है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं लगाया जाएगा आप अभी आराम से रहिए, जब रिपोर्ट आएगा तो आपको रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। इसके पहले मेरा एक ही हफ्ता में निस्तारण कर देते थे सब, जब मैं कोई कंप्लेन नहीं करता था, बस DM ऑफिस में कंप्लेन करता था या CM हेल्पलाइन नंबर पर। लेकिन मैं जब से CM से मिला हूँ और अपना कागज़ कॉलेज द्वारा रिपोर्ट लगवा सबमिट करवाया हूँ पूरा, जैसे वेरिफिकेशन करा कर, तब से मेरा पूरा पूरा ये लंबित है पिछले ही महीना से, और आज जुलाई हो गया 2 तारीख, अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। तो दोस्तों बस यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस स्कॉलरशिप समस्या को लेकर गवर्नमेंट भी चिंतित है और कार्रवाई चल रही है। तो आप भी अपना एप्लीकेशन दीजिए और सीएम हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेन करके अपना स्टेटस एक बार और अपडेट करवा लीजिए, तब आपका भी स्टेटस ऐसा लंबित हो जाएगा, आप पूरा डॉक्यूमेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में भी सबमिट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जय हिंद।